अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट ट्रॉमा। डेफिनेशन: इंजरी टू द चेस्ट वॉल और लंग्स कैन इंटरफेयर विद इंस्पायरेशन, गैस एक्सचेंज और एक्सपायरेशन इज नोन एज चेस्ट ट्रॉमा। सी, चेस्ट ट्रॉमा क्या है कि जब हमारे चेस्ट वॉल या लंग्स इंटरफेयर हो जाए, यानी कि उनके इम्पेयर्ड हो जाए, हमारी इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन या गैसेस एक्सचेंज में कोई भी रुकावट वगैरह आ जाए, कोई भी चेंजिंग आ जाए, वो चेस्ट ट्रॉमा कहलाएगा। टाइप्स ऑफ इंजरीज इंक्लूड ब्लंट चेस्ट ट्रोमा, फर्स्ट पे रिजल्ट फ्रॉम सडन कंप्रेशन और पॉजिटिव प्रेशर इन्फ्लिक्टेड टू द चेस्ट वॉल। कोई भी सडन कंप्रेशन या प्रेशर आएगा, पॉजिटिव प्रेशर आएगा, चेस्ट वॉल हमारी कॉम्प्रेस हो जाएगी, तो वो ब्लंट चेस्ट ट्रोमा कहलाता है। सेकेंड, पेनिट्रेटिंग ट्रोमा अकर्स व्हेन अ फॉरिजन ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट द चेस्ट वॉल्स। जब कोई बाहर से फॉरिजन ऑब्जेक्ट आके चेस्ट वॉल को वो करेगा, कंप्रेस करेगा या प्रेशर से आएगा, उसको चेस्ट वॉल के अंदर आएगा, तो वो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा कहलाएगा। भैया कुछ टर्म्स हैं: हीमोथोरेक्स, ब्लड इन द प्लूरल स्पेस के अंदर ब्लड होगा, टेंशन नीमोथोरेक्स कि जिसमें क्या हो, एयर इन द प्लूरल स्पेस, सिर्फ प्लूरल स्पेस के अंदर एयर होगी, ओपन नीमोथोरेक्स आ सकिंग चेस्ट वॉल होगा। सही ऐसा देख सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी: हीमोथोरेक्स किस तरह होता है, द ब्लड इन द प्लूरल कैविटी कॉम्प्रेसिज द लंग एंड प्रोड्यूस ब्लड लॉस रिजल्टिंग इन शॉक। सही, हीमोथोरेक्स में क्या होगा कि प्लूरल कैविटी की कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लंग्स जो होते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही होगी और इसकी वजह से शॉक में जा सकता है पेशेंट। टेंशन नीमोथोरेक्स इज कंसिडर्ड अ मेडिकल इमरजेंसी, प्रेशर इन द प्लूरल स्पेस कॉम्प्राइजेज वेंटिलेशन एंड कैन लीड टू लंग कोलैप्स, डिक्रीज्ड वेंटिलेशन इन द अदर लंग एंड डिक्रीज्ड वेनस रिटर्न टू द हार्ट नोन एज मीडियास्टिनल शिफ्ट। से इसको मीडियास्टिनल शिफ्ट भी कहा जाता है कि जिसमें डिक्रीज वेंटिलेशन होती है, यानी कि लंग्स की तरफ जो जा रहा होता है वेंटिलेशन करके, वो डिक्रीज हो जाता है, और जो डिक्रीज वेनस रिटर्न टू द हार्ट वो भी डिक्रीज हो जाता है। ओपन नीमोथोरेक्स एन एक्यूटली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इन्वॉल्व्स एन ओपनिंग इन द चेस्ट वॉल लार्ज एनफ टू अलाउ एयर पैसेज इन टू एंड आउट ऑफ द चेस्ट कैविटी विद ईच अटेम्प्ट रिस्पायरेशन। यानी कि ओपन नीमोथोरेक्स क्या है कि लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें चेस्ट ओपनिंग बन जाती है चेस्ट वॉल के अंदर, जब भी हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं वो चेस्ट वॉल के अंदर से एयर पास होती है। द रश ऑफ एयर प्रोड्यूसेस अ कैरेक्टरिस्टिक्स सकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, टाइडल वॉल्यूम डिमिनिश पाइप हो जाता है हमारा, और वेंटिलेशन जो हमारा था वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है इसके, व्हीकल डैमेज, कोई भी कार एक्सीडेंट, फॉल्स, गिर गया, नाइफ और अदर शार्प ऑब्जेक्ट्स वाउंड, किसी ने चाकू मार दिया, एक्सेसिव फोर्स अगर उसको चेस्ट पे आ गई, कॉन्टैक्ट प्रेशर, गन शॉट, हीमोथोरेक्स, ब्लड इन द प्लूरल स्पेस, टेंशन नीमोथोरेक्स, एयर इन द प्लूरल स्पेस, ओपन नीमोथोरेक्स आर सकिंग चेस्ट वाउंड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, साइनस सिम्टम्स क्या होंगे इसके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, चेस्ट पेन होगा, साइन ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, शॉक, डिलेड कैपिलरी रिफिल, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रूजिंग, पेन ऑन पल्पेशन, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स क्या होंगी, द टाइम सिंस इंजरी अकर्ड कि कब उसको इंजरी हुई है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी उसका क्या है, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कितने हैं, ब्लड लॉस कितना हुआ, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है उसको, द इंजरीज आर लाइफ थ्रेटनिंग सो अर्ली डायग्नोसिस रिक्वायर्ड। सी, ये सारी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हैं उसमें अर्ली डायग्नोसिस करनी होती है। द इनिशियल लैब डायग्नोसिस क्या करेंगे, एक्सरे, चेस्ट, सीटी स्कैन, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC करवाएंगे, यानी कि क्लॉटिंग स्टडीज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैसेस एंड ECG करवाएंगे। चेस्ट ट्रॉमा मैनेजमेंट, द गोल ऑफ ट्रीटमेंट आर टू इवेल्युएट द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को हमने देखना है कि किस तरह है, एन एयर वे क्लियरेंस, उसका एयर वे क्लियर करना है, ऑक्सीजन सपोर्ट देनी है, इंट्यूबेशन यानी कि इंसर्शन ऑफ ट्यूब फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। से पेशेंट के अंदर ट्यूब इंसर्ट करनी है उसके चेस्ट के अंदर ड्रेनेज के लिए और डायग्नोसिस पर्पस के लिए, वेंटिलेटरी सपोर्ट पेशेंट को देना है अगर वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, ट्रीट फॉर शॉक अगर उसको शॉक हो रहा है तो उसको ट्रीट करना है, मेंटेन कार्डियोपल्मोनरी फंक्शन,
नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी, प्रोवाइड इमरजेंसी केयर, पेशेंट को इमरजेंसी केयर देनी, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ पेशेंट एयरवे बाय सक्शनिंग एंड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एज अप्रोप्रिएट, सही, यानी कि सक्शनिंग करके और एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के पेशेंट के अंदर और उसकी सक्शनिंग करनी है और पेशेंट का एयरवे क्लियर रखना है, कंट्रोल ह्यूमरेज ब्लीडिंग को कंट्रोल करके रखना है, ट्रीट डैमेज टू चेस्ट एंड अदर इंजर्ड स्ट्रक्चर्स, स्टेबलाइज द चेस्ट वॉल इफ नेसेसरी, अगर स्टेबलाइज करना है चेस्ट वॉल को अगर नेसेसरी है तो, एज ऑर्डर्ड असिस्ट विद इंसर्शन ऑफ अ चेस्ट ट्यूब एंड मेंटेन अ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम, सही, यानी कि अगर अगर ऑर्डर दिया गया है तो वो इंसर्ट करनी है चेस्ट ट्यूब और मेंटेन करके रखना है ड्रेनेज सिस्टम को, प्रमोट मेजर्स टू मेंटेन एडिक्वेट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, असेस द ट्यूब इंसर्शन साइट फॉर ब्लीडिंग की कौन सी साइड से इंसर्ट करके निकालना है सक्शनिंग करके ब्लड, असेस ट्यूबिंग फॉर किंक्स क्लॉट्स और डिपेंडेंट लोब्स, असेस द ड्रेनेज चैम्बर फॉर कलर कंसिस्टेंसी एंड अमाउंट ऑफ ड्रेनेज, असेस वाटर सील चैम्बर फॉर फ्लक्चुएशन टाइटलिंग विद इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, प्रोमोट कोपिंग यानी प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट टू रिड्यूस एंजाइटी एंड फेयर, थैंक यू, होप यू लाइक इट.